तो फाइनली दोस्तों, पहले यशराज फिल्म के प्रोडक्शन की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म पठान, जिसने आने से पहले ही पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। फिर साउथ इंडस्ट्री के सबसे यंगेस्ट डायरेक्टर अटली कुमार के निर्देशन में बनी जवान, जो कि पैन इंडिया की सबसे बड़ी मास मसाला एक्शन फिल्म होने वाली है। और उसके बाद राजकुमार हिरानी, जिन्होंने इंडियन सिनेमा को एक से बढ़कर एक आइकॉनिक फिल्में दी हैं। इनके निर्देशन में बनी वर्ल्ड क्लास फिल्म डंकी। और ये तीनों ही फिल्में ऐसी हैं जो आने वाले टाइम में बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान के नाम बहुत बड़ा इतिहास रचने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 4 साल के लंबे इंतजार के बाद तीन अलग तरीके की फिल्मों के साथ वापसी कर रहे हैं। और ये तीनों ही फिल्में ऐसी हैं जो शाहरुख खान के करियर की अब तक की सबसे हटकर फिल्में हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाहरुख खान की जवान फिल्म से जुड़ी हुई कुछ मजेदार अपडेट्स के बारे में। तो हेलो दोस्तों, माय टॉक्सिक और फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जवान शाहरुख खान के करियर की अब तक की सबसे डिफरेंट फिल्म है, क्योंकि एक तो इस फिल्म को साउथ के सुपर डुपर हिट फिल्मों को डायरेक्ट करने वाले अटली कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। और इन्होंने कई बार अपने इंटरव्यू में कहा है कि ये साउथ के सुपरस्टार और बॉलीवुड के सुपरस्टार को एक साथ लेकर एक बड़ी फिल्म बनाना चाहते थे। और जैसा कि ये फिल्म बॉलीवुड और साउथ इंडियन सिनेमा का संगम होने वाली है, इसीलिए फिल्म में साउथ इंडियन सिनेमा के बड़े सुपरस्टार थलापति विजय का रोल फिल्म में काफी अच्छा खासा होने वाला है। पहले रूमर्स थे कि थलापति विजय शाहरुख खान के साथ जवान फिल्म में नजर आ सकते हैं, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि फिल्म में थलापति विजय शाहरुख खान के साथ नजर आने वाले हैं, जिनका काफी अच्छा खासा रोल होने वाला है जवान फिल्म में। और एक मीडिया आर्टिकल के मुताबिक जवान फिल्म में दीपिका की मौत का बदला लेते हुए नजर आएंगे शाहरुख खान, जहां शाहरुख खान का फिल्म में डबल रोल होगा, जिनमें से एक शरीफ होगा और दूसरा बदमाश। और अगर ये रूमर सही है तो वो देखने वाली बात होगी। फिल्म में दो शाहरुख खान, जिनमें से एक स्टाइलिश हीरो और दूसरा स्टाइलिश विलन, साथ ही फिल्म में दो साउथ के बड़े सुपरस्टार। और जैसा कि इस फिल्म को साउथ के डायरेक्टर बना रहे हैं, तो फिल्म में साउथ का टच होगा, इसीलिए फिल्म को हिंदी के साथ साथ साउथ के फैंस के लिए तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया जाएगा। और जैसे कि आप सब जानते हैं, शाहरुख खान बहुत बड़े सुपरस्टार, इनकी फैन फॉलोइंग इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर भी बहुत ज्यादा है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म को इंग्लिश में भी रिलीज किया जा सकता है 2 जून 2023 में। तो ऐसे में दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं शाहरुख खान की इस मोस्ट अवेटेड फिल्म के लिए, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और मूवी से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।